खैरवाफियत के साथ रहिए और अपनी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। तो अभी टाइम हो चुके हैं सुबह के 8 बज चुके हैं और 8 बज चुके हैं और सभी लोग स्कूल भी जा चुके हैं बच्चे वगैरह। और यहाँ पे आज मैं अपना जो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से, और नाश्ता वगैरह हम लोग का हो चुका है और हमारा जो किचन का काम करना है बाकी है, और कपड़े उधर धुल रहे वाशिंग मशीन में और कुछ कपड़े मेरे धुल भी गए हैं। और चैनल पे मेरे जो न्यू होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, ऑल पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देंगे ताकि मेरे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए और वीडियो को देख सको। तो इस तरह से हमारा ना जो घर का काम है ना मैं जा रही हूँ करने और करूँगी और शेयर करूँगी आप सभी के साथ, क्योंकि आज रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आने वाला है और हमारा जो भी किचन है ना थोड़ा मोड़ा साफ़ करना है। वैसे तो मैंने साफ बराबर करते रहती हूँ लेकिन थोड़ा सा अभी साफ़ करना है, जो साफ़ हो जाएगा तो दिल को सुकून मिलता है। अपना जो काम होता है ना घर का क्लीनिंग वगैरह हो जाता है तो बहुत अच्छा फील होता है। तो बस यही मैं जा रही हूँ, अपना जो घर का किचन वगैरह है मैं साफ़ करूँगी, डब्बे वगैरह जितने भी कंटेनर हैं उसको साफ़ किया जाएगा और घर धुला जाएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आप सभी से। ओके, तब तक के लिए टाइम हो चुके हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं और हमारा जो किचन का काम करते करते बहुत टाइम हो गया था, 12 बज चुके हैं और यहाँ पे देखते हैं मेरा किचन भी क्लीनिंग हो गया है। और रमज़ान का महीना है तो हम सोचे ना कि थोड़ा सा रमज़ान पहले ही साफ़ कर दिया जाए ताकि रमज़ान में साफ उफ करने के ना रहे, घर बिल्कुल क्लीन रहे। और जब घर क्लीन रहता है ना तो बहुत मतलब कि दिल को तसल्ली और दिल को सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है कि हमारा घर बिल्कुल साफ साफ है। तो अभी तो घर वगैरह मैंने नहीं धुले हैं, घर भी धुला जाएगा लेकिन अभी कारे यहाँ पे मेरा बेटा आया था और भाग गया मुझे देख करके। तो अभी मेरा बेटा आया था ना, कह रहा है कि मेरा वीडियो मत बनाओ, मैं बना लेती हूँ उसका वीडियो चोरी चोरी चुपके चुपके से। तो अभी अभी सुबह दोपहर हो चुके हैं, दोपहर का अभी उसने नाश्ता किया है, दाल रोटी आलू की भुजिया और अभी एक प्लेट बढ़ गया है मुझे धोने के लिए। अभी सारा क्लीन किचन को मैंने क्लीन किया है लेकिन अभी भी एक प्लेट बढ़ गया है धोने के लिए, एक प्लेट और प्याली। ये लोग का तो बढ़ाना काम है और हम लोग का जो है साफ करना काम है। तो चलिए अब चलते हैं हम नहाने, खाना वगैरह चावल वगैरह बन चुके हैं तो हम चल रहे हैं अब नहाने, नहा कर आते हैं तो मिलते हैं बाद में। यहाँ पे मुन्नी खाना खा रही है धूप में बैठ के। धूप में कोई बैठता है? धूप में कोई बैठ के खाना खाता है भला? लेकिन ये धूप में बैठ कर खाना खा रहे, अभी नहा के आई है देखिए।
तुम ही गाती हो कि धूप में बैठो खिचड़ी है या कुछ हो घाम में अच्छा लगता है खाने के लिए। ठंडी के मौसम में ना, ये तो गर्मी का मौसम आ गया है ना। यहाँ पे मुन्नी खा रही है दाल चावल ना। मुन्नी, मुन्नी का फेवरेट है दाल चावल। मुन्नी का फेवरेट दाल चावल। तुम जाओ, जाए यहाँ से। लेते हैं, हम भी खाना खा लेते हैं। यहाँ पर हमारा किचन का सारा काम हो चुका है और दाल चावल बनाए हैं तो सलाद बनाते हैं अभी। यहाँ पे हम मछली गर्म कर रहे हैं। ये कल ना मछली आई थी रात में, बनी थी फिश फ्राई, तो बस इसी को हम गर्म कर रहे हैं। और खाने में मैंने बनाया है दाल चावल, तो दाल चावल और ये फिश फ्राई कर रहे हैं खाने के लिए। और सब्जी मैंने बनाई है आलू की भुजिया, जो बच्चे खा चुके हैं तो थोड़ा सा बचा है। यहाँ पर मैंने सलाद बनाया खाने के लिए। बस फिश फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। यहाँ पे हम दोपहर का खाना खा रहे हैं, दोपहर का लंच कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने दोपहर खाना में सिर्फ दाल चावल और आलू की भुजिया बनाई थी, और रात की बची हुई फिश थी, मछली थी, तो वो हम लोगों ने खाना खाया। और खाना खाने के बाद जितनी भी मैंने कंटेनर वगैरह साफ़ किए थे, जितने भी मेरे थे, और रमज़ान आ गया है तो रमज़ान मैं तो करने का दिल नहीं करेगा, तो रमज़ान पहले ही करना पड़ता है सब काम, सफाई वाला या कुछ भी हो, चाहे पर्दे वगैरह धुलने हो, चाहे सफाई करके क्लीनिंग करनी हो, तो ज़्यादातर हम लोग रमज़ान से पहले कर लेते हैं। वैसे तो हम रोज़ डेली का हम लोग का घर धुलते नहीं हैं, मतलब पोछा लगा देते हैं हल्का फुल्का सा, और जो किचन तो डेली साफ़ होता है, लेकिन घर वगैरह रूम्स वगैरह मैं डेली नहीं साफ़ करती हूँ। झाड़ू तो मैं डेली लगाती हूँ, साफ़ ही रहता है, ज़्यादा कोई वो नहीं रहता है, गंदा नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे मेरा किचन का क्लीनिंग भी अच्छे से हो गई है, और जितने भी मसाले वगैरह ख़त्म हो चुके थे वो मैं उसमें डाल रही हूँ मसालेदानी में, ताकि इकट्ठा रहे। और बस थोड़ा सा मैंने मुन्नी का हेल्प ले लिया है, मैंने मुन्नी से बोली हूँ कि चलो थोड़ा सा मुझे जो डब्बे कंटेनर है मुझे थमा दो हाथ में, अब मैं वहाँ पर रख देती हूँ। तो वही मुन्नी हमारा हेल्प कर रही है, मेरे साथ दे रही है। और उसे तो साथ इसका देने का दिल नहीं करता है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा बच्चे को साथ ले करके थोड़ा सा मैं काम अपना हेल्प करवा लेती हूँ। तो इधर मैं सारे डब्बे कंटेनर वगैरह मैं सरिया करके अच्छे से रख दूँगी। और बस तो आज का जो मेरा ब्लॉग था यही रहेगा। और कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, मेरा जो ब्लॉग, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।